तो सुन। अजीब औरत है, पीछे पड़ गई है मेरे। मेरी बात तो सुन मेरी माँ। हेलो, आई एम नॉट माँ, आई एम बिस्मा। और वैसे भी मुझे क्या पता तुम्हारी बेटी कहाँ है। तुम याद करो कहाँ रहती है वो। अपने घर में रहती है और कहाँ। तो भाई अपने मियाँ के साथ रहती होगी घर में। मियाँ साहब तो लंदन चले गए और लंदन में भी बेघर है। अच्छा मुझे ये बताओ, दिखने में कैसी है तुम्हारी बेटी। ऐसी है बम्बाट है, दबंग है, दबंग। हाँ? हाँ? ये आप कह रही हैं? नहीं, मोहल्ले वाले कहते हैं। अच्छा एक काम करो, मुझे उसकी कोई निशानी बताओ। निशानी? गंजी है वो। गंजी? वो क्यों? घर में टिकेगी तो गंज सही रहेगी ना। अब घर में टिकती नहीं है तो मियाँ ने गंजा कर दिया। भाई कोई और निशानी बताओ मुझे उसकी। उसका एक काने ने कुत्ता ले गया, अब वो चश्मा जो ना पीछे की तरफ पहनती है। हैं? कोई और निशानी बताओ भाई। एक और निशानी है, ए उसकी एक आंख है ना, वो पत्थर की है। अक्सर वो आंख बाहर निकाल के छुरियां तेज करती है बेटा। ये कौन है? सर ये इसकी ना बेटी गुम हो गई है। तो अम्मा तुम एक काम करो, थाने में जाओ, थाने वाले बहुत अच्छे हैं, किसी की भी बेटी आपके मत्थे डाल देंगे। जाओ। नहीं सर, इसकी बेटी का घर नहीं मिल रहा। घर नहीं मिलना? नहीं मिलता बेटा। तो कोई पता, कोई एड्रेस, कोई गली? बेटा 10 साल पहले आई थी, एक पान का केबिन था उसकी गली के कोने पे। तो इस गली के कोने पे भी एक पान का केबिन है, आप कोने में चली जाओ। शर्म कर, मरी गया, मेरे को गली के कोने दिखाता है? ये मेरी उम्र है कोने देखने की? कैसी बात करता है। याद आता है मेरे को, हाँ उस गली के अंदर है ना, बारिश का पानी भी जमा था और उधर तंबू भी लगा था। 10 साल पहले की निशानी बता रही हो? हाँ, उस गली की है जहाँ तुम्हारी बेटी रहती है, वहाँ पे तंबू भी लगा हुआ था, बारिश का पानी था। निशानी अभी वो बता रही जो 5 मिनट में मिट जाती है। तंबू मैयत पड़ी हो तो तंबू वाले पहले आके तंबू उतार ले जाते, मैयत ऐसी पड़ी हुई होती है। का पानी यहाँ रहता है कहाँ? याद आया बेटा, वहाँ पर जो कुत्तिया ने बच्चे भी दिए थे, 6 बच्चे थे, 6। अब तो ये बच्चे बड़े होके हर इलाके में भौंक रहे होंगे। आप जाओ। देखो अम्मा ऐसा है, मैं समझाती हूँ, अब आप यहाँ से चली जाए, हमें शो करना है। तो मेरे को भी शो में डाल दो बेटा। मेरे को भी शो में डाल दो बेटा। हम लोग शो बना रहे हैं, कोई अचार नहीं बना रहे हैं। तेरे को डाल दें उसमें। देखो बेटा, मैं जो है ना उल्टी कलाबाजियां भी खा लेती हूँ, कोई उठा के फेंके तो। देखो अम्मा, हमारे यहाँ मेहमान आने वाला है, आप यहाँ से चली जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेहमान आने वाला है, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी तो मैं जाती हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगी और बधाई लेके जाऊंगी बेटा। बधाई लेके जाऊंगी? कौन सा मेहमान आ रहा है हमारे यहाँ? वो मेहमान नहीं आ रहा। हम शो करते हैं, हमारे गेस्ट आ रहे हैं मेहमान। जाओ जाओ, आप जाओ। चलो ठीक है बेटा, मेरी बेटी मिले तो बता देना, तेरी माँ ढूंढती है। ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी बेटी मिलेगी ना इंशाल्लाह, मैं उसको बता दूंगा कि तेरी माँ ढूंढती है। वो बेचारी खुद बोलेगी, मेरी माँ को मैं खुद ढूंढ रही हूँ, इतने अच्छे से नहीं मिले। जाओ अम्मा। बहुत बोलती है ये औरत तो। अरे औरतें चुप होती कब है? अल्लाह माफ करे, अंग्रेजों ने तहकीक की 1860 में कि कोई आवाज दरियाफ्त करें, तो उन्हें एक आवाज मिली, वो भी औरत की आवाज, वो भी दूसरी औरत के साथ बैठ के अपने मियाँ की गीबत कर रही है। अच्छा वैसे सर, आज के हमारे गेस्ट कौन है? आज के गेस्ट जो हैं वो हमारे कराची के 2 शहजादे हैं, जिन्होंने कराची स्टेज पे बहुत, उनकी खिदमात हैं, बड़ा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़ा नाम है। और मेरे साथ, शकील सिद्दीकी के साथ, उमर शरीफ के साथ बेशुमार ड्रामे किए, दोनों ही मैं समझता हूँ टैलेंटेड हैं, और राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, और कमाल के कॉमेडियन हैं। तो आते हैं आप सब की तालियों में, सलीम शेख शकील शाह। अस्सलाम वालेकुम। जो मैंने नहीं किया वो इसने कर दिया यार। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा थोड़ी कमी थी वो पूरी कर दूं। तशरीफ रखें। थैंक यू भैया। और आप ठीक हैं? जी जी मैं। अगर तुम मतलब नहीं ठीक होगी तो ठीक कर देगा। नहीं, अपनी तरफ से मिस्त्री बना हुआ है या डॉक्टर बना हुआ? नहीं नहीं, वो ठीक हैं, लग भी रही हैं कि ठीक हैं, बल्कि ठीक ठाक है। मैं तो कह रहा हूं बैठे 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 हैं। माशाल्लाह ड्रेसिंग भी इतनी अच्छी की है, लग रहा है आज हमारे मेहमान श्रीलंका के वजीर हैं।
पहले श्रीलंका का तो ये लग रहा है। नहीं तू भी लग रहा है। नहीं नहीं सर माशाल्लाह ये तमिलनाडु है, तू तमिल लड्डू है। माशाल्लाह दोनों की ड्रेसिंग बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। और माशाल्लाह आपकी भी ड्रेसिंग अच्छी है। थैंक यू। मुझे बता दिया था कि आप ब्लैक पहन के आ रही हैं, तो मैं भी ब्लैक में मैचिंग में। हाँ मैंने मैंने तो व्हाइट पहना हुआ ना, मेरी बात नहीं। आप भी ब्लैक है, ये भी मतलब है कि ओए तीनों बोल दो ब्लैक है। हाँ। मैं बोल रहा हूँ तीनों के ब्लैक हैं, ब्लैक ब्लैक बोल दो तुम लोगों ने कौन सा जन्नत में जाना है? हाँ इसी के साथ जाना है, और कहाँ जाना है? मैं जाना है। खुदा का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख करम है परवरदिगार, कराची से कोई उर्दू शो तो शुरू हुआ, टॉक शो, कॉमेडी शो। ये आपके, ये पूरी प्ले की टीम को और आपको इसका ऑनर। प्ले टीवी को बिल्कुल इसका जाना चाहिए बेनिफिट, क्योंकि प्ले ने वो भी अपने वो भी अपने शो है, ऐसी बात नहीं है, सब नहीं हर जगह अपने शो है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उमर भाई के जाने के बाद एक उर्दू का शो आना जरूरी था, किसी का भी आता। वॉल जो आपने बनाई है, क्या बात है। मैं इन सबके लिए एक बात कहना चाहूंगा, क्या मैं इन तमाम कॉमेडियंस को, पाकिस्तान के जितने भी कॉमेडियंस हैं, मैं उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने लोगों की आंखों से आंसू चुरा कर आप लोगों में खुशियां फैलाई हैं, और मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं कि इन्होंने अपना गम बुलाकर लोगों को हंसाया है, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि वही काम हमारे हिस्से में आया है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तेरा ईमान कब ताजा हो। ये बड़ी अच्छी बातें कर रहा, सुबह फांसी है। तो ये वॉल ऑफ लेजेंड्स जो है हमने सबने एक तय करके, फिर मैंने आइडिया दिया, फिर ये हमने लगाई कमाल, और उसमें से शकील शाह सियाणपति वाली बात बताऊं। हाँ जी, 12 तस्वीरें, एक एक तस्वीर पे अगर एक एक एपिसोड करूं, 12 एपिसोड तो यही होगा। खुदा की कसम, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बिल्कुल। अच्छा दूसरा पता, फिर आप 12 सिंगर्स की आएंगी, 12 जो सिंगर चले गए हैं दुनिया से उनकी लेजेंड्स, फिर करंट जो कॉमेडियन चल रहे हैं उनकी आएंगी। तो ये शो का हमारा एक फॉर्मेट है, बहुत खूबसूरत, मजेदार। मेरा एक सवाल था आप दोनों से। जी बोलिए। कितना अरसा हो गया आप दोनों को इस फील्ड में? बस जी ये समझ लें, अगर बताएंगे तो फिर 30-32 साल तो हो गए। अच्छा माशाल्लाह। हाँ 32 साल तो तकरीबन, 32 ऑलमोस्ट, हमने तकरीबन 32 अपनी उम्र दी है इस काम को। अच्छा मुझे एक बात पता चली है, सलीम ने ये सख्ती से कहा है कि आप लोग देखना इंशाल्लाह इस ईद पे भी मैं नहीं आऊंगा। नहीं तो उसकी वजह है ना लाला भाई, क्या पानी नहीं आ रहा? नहीं नहीं पानी नहीं आ रहा, क्या फर्क पड़ता है, इतने गटर खुले में कराची में यार, अगर मैं इतना क्या हो गया शकील जी, कितना ना आएगा गटरों में, थोड़ा सा एक गिलास पानी साफ दे देगा, तेरा क्या चला जाएगा? नहीं मैंने देखा है, मेरे साथ सड़क पे जा रहा था, गटर में गिर गया। मैंने कहा सलीम बाहर आ, कह रहा नहीं मुझे मस्त माहौल में जी। बेवकूफ आदमी, हम दोनों साथ जा रहे हैं लाला भाई। अच्छा बर्फ का टुकड़ा उठा के देख रहा है, मैंने क्या देख रहा है, यार देख रहा हूँ सुराख नहीं है, लीक कहाँ से हो रहा है? माशाल्लाह से आप लोगों ने इतना तवील अरसा दिया है इस फील्ड में, तो बच्चे कितने कितने आप लोगों के? मेरे 5 बच्चे हैं माशाल्लाह, 4 मेरे बेटे हैं, 1 मेरी बेटी है। रब्बुल आलमीन की करम नवाजी है कि अल्लाह ने अपने फर्ज से बरी उज़्ज़मा किया कि मैंने 3 बेटों की शादियां की हैं, और बेटी की भी शादी अभी रिसेंटली की है मैंने 3 महीने पहले। माशाल्लाह, तो अल्लाह ने अपने फर्ज से बरी उज़्ज़मा किया लाला भाई के, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करम है परवरदिगार। यानी दुनिया देख ली ना, बस दुनिया देख ली, अब तस्वीर में आ जाओ। अच्छा आप तो बताएं शकील साहब, आप अपनी भाभियों के बारे में बताएं। भाभियों की यार अच्छा ये शो देखेंगे आप, फंसाने वाले काम कर रहे हैं यार, मजेदार बात है। सवाल से बचता हूं मैं, नहीं भारत बच्चे तो 4 हैं माशाल्लाह, और वो नहीं नहीं जो बात पूछी है वो जवाब दे, 4 हैं यार छोड़ो ना यार। लाला सर गेस्ट आए हैं हमारे, कुछ चाय पानी कुछ पूछे, बड़ी मेहरबानी, मैं बड़ी आपका, ये नहीं पूछेंगे, मुझे याद दिलाना है, निकलेंगे अभी अभी, ये दुआ देना शुरू कर, बहुत बहुत मौला खुश है। नहीं जरूरत नहीं है चाय की, ठंडे की या गर्म की, मतलब अब मेहमान आए जाहिर है कुछ खाना पीना तो होगा इनके लिए, कुछ मैं अपने वेटर को बुला रहा हूँ। अच्छा बुला आज, अच्छी बात है, ये बात पहले कर लेते बड़ा अच्छा होता। राजा खिड़की में आ जा, आ जा। अस्सलामुअलैकुम लाला भाई। वालेकुम अस्सलाम, खुदा हाफिज, जाओ। अरे वाह या अल्लाह, दो दो लाला भाई। मैं चौका तो ऐसा, मैं इसका भनो ही निकला है ईमान से। ऐसा हो तो गला दबा के मारना दे। पहले तूने 2 मारे हैं ऐसे। लाला भाई कौन है ये? जी तो खुद कह रहे दो दो लाला भाई, तो एक अमीर लाला भाई, गरीब लाला भाई। नहीं नहीं वो मेरे बारे में पूछ रहा है, मेरे बारे में बताऊंगा, मैं ब्रुनाई का सदर हूँ।
बुरोनाई समझा, वो वाला जहाँ से छोटी कलमे कराते ना बुरोनाई, ये वाला नाई असल में तो सर असल में वो नहीं वेस्ट इंडीज वाला क्रिस गेल, हाँ उसकी फुफी का बेटा है छोटा, और वो नहीं है इंडिया अपना श्रीलंका का कौन है वो राणा टुंगा, राणा टुंगा हाँ उसका भतीजा है, ये जय सूर्य का साला, हाँ बात वही रिश्ता वही लिया है। सर मैंने वैसे आपको पति के एड में बड़ा देखा है। मुझे सीता काला चप्पल उछालते ना वैसा मुंह है इसका। और तुम भी किसी जले हुए सिंघाड़े से कम नहीं हो, वहाँ बैठ जाओ। अल्लाह मजाक कर रहा है। अरे खाला जूती रख दो, पता नहीं चल रहा मुंह कौन सा जूती कौन सी है। ये कौन है रशीदा खाला? ये मेरे गेस्ट हैं शकील शाह सलीम शेख। माशाल्लाह रशीदा खाला रही है। ऐसे मत बैठो गिठान लग जाएगी। मैं खुद लगा के बैठी हूँ। अच्छा ये किसका नाम क्या है, इसका नाम बताओ। शकील शाह। तो ये कौन है? जय शाह। तो जान दिया। खुदा की कसम बहन भाई मिल गए। सेम टू यू, तुमने चीखती तो मेरी निकलने वाली थी। मैं तेरी सेम भी तोड़ दूंगी, ये रबर बैंड तेरी। चुप कर जा इसको मैं जानती हूँ। अरे देखो मुझे जानती लाला, मैं जानती हूँ। संदूक के अंदर चूहा था ना, उसके साथ कबड्डी खेल रहा था। या लाला भाई ऐसी औरतें होती है जो ईद वाले दिन मर के पूरे खानदान की ईद खराब करा देती। और तेरी तो अच्छी हो जाती ना, तेरी तो बात मान लेती है ना वो औरतें। कहाँ देखा है इसे, कहाँ देखा? कहाँ देखा, तेरे अपने घर में देखा होगा। तेरी कम बीवी है। तूने भी आदत डाली, तू स्टेज का जावेद शेख है। ये धड़ाधड़ शादियाँ, ये धड़ा आदत बना ली तूने। इसने खासी महीने में रख लिया, पता नहीं कब हो जाए। आए खाला 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 रशीदा तेरी इस बात को सलूट है अल्लाह की कसम। पक्की बात है रशीदा खाला, आप भी अपना रिश्ता डाल ही दो। नहीं मैं ये अल्लाह, अरे ये रिश्ता, ये मौत का फरिश्ता। अल्लाह ये रिश्ते ना देखें, कब्रों के डिजाइन देखें। ये कैसे मेहमान बुला ली, गंदी गंदी नजरों से देख रहा है ये। की आंखों में बैड टचेस नजर आ रहे। काला आराम से खड़ी हो जाओ, बैड तमीज से। तुम्हारी यूट्यूब खुली हुई तुम्हें पता नहीं है? मेरा तो पासवर्ड तुम्हें पता है क्या? मैं तो कंट्री कोड लगा हुआ है। मैंने तो बड़े बड़े कंट्री कोड खोल दिए। हाँ मुझे पता, तू अभी गया था दुबई कि उसको लेके कल मुही को मुझे छोड़ गया था। पक्की बात है तेरी तो रबर बैंड बन गई है। ये छोड़ मत दियो कहीं तू गलती से। हथौड़ी के मुंह वाले, छोटी नहीं चप्पल वाली हथौड़ी। माशाल्लाह मुझे हथौड़ी का क्या मतलब लगने वाला है। और तुम देखना नून लीग 5 साल के लिए आई कहाँ पे, कहाँ पे? अडियाला जेल में। ये हमारे निकलने के बाद ये बातें नहीं हो सकती, ये सारी बातें वो करते। हमें बाहर भी जाना है बल्कि घर भी जाना है। ये क्या बेगम के क्या चक्करबाजियां कर आ गए तुम? ये क्या झुमके उमके लगा के क्या मुजरे का बोल के निकला है? मुझे मालूम था रशीदा खाला ने झुमके नहीं डाले, मैं डाल गया। भाई ये थूक उड़ाता है भैया। चलो 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 खाला, कुछ आ ही रहा है ना तुम्हारे पास, जा थोड़ी रहा। तुम्हारी शादी हो गई? तुम्हारी शादी हो गई? यही तरह आदत बनाएगी मैंने भी है। हर थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद कबूले आदत बन गई। ये तो बताओ धरने में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? लोग परेशान हो गए थे। रशीदा खाला कहाँ गई? पता मैं क्यों गई थी? मैं सिर्फ बिरयानी के चक्कर में गई थी। फिर मिली पेट भर के? ऐसे डंडे में रख रख के दिए बोटियां यहाँ पर। टका टका नहीं याद आ गया मुझे, खाला ने ना कोरमे की थैली आंटी में फंसा लिया। कोरमा नहीं था, फट गई। कोरमा नहीं था, इनके पीछे लोग रोटी लेने भाग रहे। खाला के निवाला तो लगवा दे। खुदा की कसम इसका मुंह देख लो, देख लो जैसे किसी ने ठंडा सालन फेंका हुआ है। बहुत अच्छे, देख लिया? इसका मुंह देख लो, देख लिया, दफना दो। यहाँ भी देख लो, रबर बैंड बनती है। ये छूट में नहीं चाहिए। रबर बैंड बनती है रशीदा, अगर ये छूट गई मारूंगा दिमाग में लगेगी। कसम खुदा की अगर ये छूट गई ना रशीदा खाला, तो मैं बता रहा हूँ मैं जबरदस्ती तुझसे निकाह कर लूंगा। बिस्मिल्लाह आ जाओ, आ जा यार। सलीम मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ जबरदस्ती निकाह हो सकती है तो तुम यस करोगे राजी हो जाएंगे? ये देखो, तेरे हिसाब का हाथ रखे कब कब आ रहे हैं, हिम्मत नहीं आ रही इसको। मेरा नहीं कब कब आ रहा है, देख खाला। ये भी खाला, एक मिनट रुक जा, रुक जा खाला। नए डलवा ले सुजुकी के। नहीं नए डलवाए, अब इसको खत्म करूंगी तो नए डलवाऊंगी। खाला रशीदा यस महल्ले में यस आपने पहचाना नहीं इनको? नहीं खाला, जर्मन शेफर्ड। ये गली का
सर ये बताए खाने में क्या लेंगे आप? खाने में क्या लेंगे बेटा, जो जल्दी आ जाए वो लिया। एक काम का सरिया ला, ऐसे फंसा के निकाल दे, सीख कबाब तैयार। आप दर्रा में असला लोगे ना तो ऐसी औरतें साथ देते हैं, चेक कर लो असली है। तू भी वहां वो दर्रा में जाता, चले हुए कारतूस है, तेरा मुंह देख ले, ये चलते आग लग जाती है। चले फिर ये बता दे पीने में क्या लाऊं? बेटा एक काम कर, जी जी बोले, मेरे लिए पानी, उसमें थोड़ा सा पानी। हाँ, मतलब पानी, फिर उसमें बर्फ बनी हुई होगी तो वो भी पानी। सर फैमिली शो है, अच्छी चीज मंगाए। अरे पानी का मतलब एक पानी, उसमें सादा पानी, ठंडा पानी, उसमें सादा पानी मिला दे, नॉर्मल हो जाएगा ये। तेरा तो ज़हन ही गंदा। हद हो गई यार। तेरे ज़हन में भाई पानी आना दे भाई तेरे। खाला किसी ने कहा तुम कोई आतिश फिशा हो रहे तो हबड़ दबड़। आतिश फिशा? हबड़ लावण जो निकालते हैं। हां बहुत लोगों ने बोला है। उसके बाद जा यार, इनके लिए कुछ खाने पीने के लिए खाने के लिए ले आओ। जी सर ले आता हूँ, आप मेरे पैसे कौन देगा खाने के? जी पैसे दोगे तो लाऊंगा ना। अबे ये खुद सैलानी से कहता है। लो बताओ। मैं सैलानी जाता हूँ, एक मिनट। आराम से बेटा, थोड़ा और आगे जाके इसका गला दबा दियो। किस्म की औरत रखी है लाला भाई लाके। अरे ये एक कैरेक्टर टिकटॉक पे हिट हुआ था। हाँ। तो ये दोनों आर्टिस्ट कैसे लगे आपको? कमाल 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 कमाल। अच्छा आपसे एक सवाल ये था कि आपकी सेहत का क्या राज है? नहीं अच्छा सवाल है, दूसरा की नहीं। दूसरा इसलिए इसमें पहले सवाल में मांगने का सिख ज्यादा। भाई मैं अच्छे खानों का शौकीन हूँ, उस पर डाइट वाइट पे मैं नहीं रखता। फूडी हैं आप? फूड हाँ बहुत। अच्छा शकील मुझे एक बात बताओ, सलीम आप भी दोनों माशाल्लाह से इतने टाइम से काम कर रहे हो और सारी दुनिया में कॉमेडी की आप लोगों ने, अल्लाह की मेहरबानी, पाकिस्तान में हर जगह आप लोगों के ड्रामे देखे जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, तो कभी अलहदा अलहदा कोशिश की वन मैन अलहदा अलहदा करने की? लाल बात यह कि जब मैंने कॉमेडी शुरू की, स्टैंड अप जो आपको पता है वो जोड़ियों ही में ही चलती आई है, सलीम आफरीदी भाई से लेकर जाकिर मसाना से, आपके साथ ही मैंने माशाल्लाह कई शोज़ किए, इसी तरीके से शकील भाई तक से के साथ शो किए, परवेज के साथ, उमर भाई करते थे वन मैन शो, हाँ, मोइन भाई करते थे, फिर ऐसा कभी इत्तेफाक मेरे साथ नहीं हुआ। तो कभी कंपेयरिंग होस्टिंग देन कंपेयरिंग, होस्टिंग तो मुझे पता है आप बहुत अच्छी करते हैं, तो मैं चाहूंगा आप दोनों में से कोई भी एक आ जाए या दोनों आके कोई एक आधा जोक सुना दे हमें। क्या मैं चाहूंगा कि अगर इधर आ जाएंगे तो पहले तो इनको सलाम, इन्हीं के कदमों की वजह से हम आज इस मकाम पे। तो बात हो रही है लाला भाई शक की, जिंदगी जैसे भी आपने बोला कि शादियों की बात की, शादियां जब कामयाब होती है कि जिंदगी में शक ना हो। सही बात। मेरे मोहल्ले में रहते एक शेख साहब, उनकी बीवी बड़ी शकी, जैसे घर में एंटर होते हैं, इधर आओ मियां मोबाइल लाइए, चेक कर ये मैसेज किसका है, ये कॉल किसकी, कल मुही की आई है, बताओ क्या हो? टेंशन में आ गए मियां, नाराज हो गई, मैं के चली गई, मैं के फोन कर रही कहाँ हो शोर परेशान, शेख साहब बेगम घर में हो? नहीं यकीन नहीं आ रहा, किचन में जाओ जूसर चला के आवाज सुनाओ। शेख साहब किचन में गए, जूसर चलाया, डर आवाज सुनाई, मुतमईन हो गई, फिर भी नहीं आई। सेकेंड डे फिर फोन किया, कहाँ हो? खुदा की कसम घर में हूँ बेगम। नहीं दोबारा किचन में जाओ जूसर चला के यकीन दिलाओ। फिर किचन में गए, जूसर चलाया, डर आवाज़ सुनाई, मुतमईन हो गई। आ जाइए 6 दिन बाद, देखा शोर घर पे नहीं है, पड़ोस में गई, मेरे शोर को देखा, पड़ोसन क्या बोल रही है, पता नहीं 6 दिन से जूसर लेके निकले मैं। थैंक यू वेरी मच, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप ये असल में मंच ऐसा है ना कि यहाँ आके खड़ा, आप भी आ जाओ थोड़ी देर में। प्लीज प्लीज आप सलीम, मैं जितने यंगस्टर हैं लाला भाई, मैंने देखा लड़कियां आजकल मोबाइल हाथ में रखी हुई हैं, महंगे से महंगे मोबाइल, तो मैंने उसके ऊपर एक चीज बनाई थी कि लड़कियों के लिए कि काश मैं तेरे हंसी हाथ का मोबाइल होता, कि काश मैं तेरे हंसी हाथ का मोबाइल होता, मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, मैं तेरे मखमली गालों को चूमा करता, और कुछ नहीं तो ये बेनाम सा बंधन होता, हर कंगले के पास तेरा नंबर होता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का मोबाइल होता। तू बड़े प्यार से
तू बड़े प्यार से मुट्ठी में दबाती मुझको, मैं तेरे हाथ से जो कभी गिरता तू रिपेयर कराती मुझको, रात को जब कभी सोने जाती नीचे तकिए के दबाती मुझको, और मेरी आवाज ना सुन ले कहीं घर वाले, तू इस डर से साइलेंट पर लगाती। पहले दिन जब मैं तेरे पास आता बड़ा इतरा कर दोस्तों को दिखाती मुझको, और मेरी बैटरी जो कभी खत्म होती फिर तू चार्जर पर लगाती मुझको, काश मैं तेरे हंसी हाथ का मोबाइल। थैंक यू प्ले टीवी, थैंक यू। अल्लाह आपको इज्जत दे। हमारी जो यंग जनरेशन है वो शायद इसमें से मोइन भाई, उमर भाई को, तो लियाकत भाई, सिकंदर भाई, इनको पहचानती होगी, अमान साहब को, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ़ साहब और ये अपना लहरी साहब, नन्ना साहब, मस्ताना साहब, बबू बराल साहब, अली जास, इनको पहचानने वाली बात है, अब लोग पहचानना शुरू कर देंगे आपकी शो की वजह से। मैं सल्यूट पेश करता हूँ आप लोग। शकील शाह, सलीम शेख, मैं आपको पता है जिस तरह ये मैंने बताया नए मंच के बारे में, क्या बात, हमारे बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट जो अब दुनिया में नहीं रहे लेकिन हमारे दिलों में है, सिकंदर सनम, क्या बात, सिकंदर भाई, इनके दो साहबजादे हैं जुहैब और शहबाज, माशाल्लाह, वो शो में हमारे साथ ही होते हैं, तो मैं उनको बुलाऊंगा, उनकी कॉमेडी देखेगा कि हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छी बात। और मेरे बच्चे हैं वो, तो मैं बुलाने लगा हूँ ढेर सारी तालियों में, ख्वातीन हजरात बुलाते हैं शहबाज सनम और जुहैब सनम। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को और उन्हीं की बहनों को। डॉक्टर साहब, ये मुझे मरीज लग रहे हैं। वो कैसे? ये मरीज है। मुझे कह रहे हैं जी आप मरीज हैं। नहीं नहीं, इनको बीमारी है क्या? सर जब आप पानी पी लेते हैं उसके बाद प्यास लगती है? नहीं। बीमार है? बहुत अच्छे, यकीन नहीं आया। सर जब नींद आती है तो सो जाते हैं? हाँ हाँ हाँ। बीमार है? बीमार नहीं, जब चलते हैं तो थक जाते? हाँ हाँ। बीमार है? अरे बीमार नहीं हूँ भाई, मैं सही हूँ। नहीं नहीं, मुझे बीमार लग रही है। अरे नहीं बीमार हूँ भाई, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, अरे बीमार नहीं हूँ भाई, मैं सेहतमंद हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बीमार लग रही है? बीमार लग रही है। अरे नहीं बीमार नहीं हूँ मैं यार, बोल दिया। देखा, ब्लड प्रेशर हाई हो गया ना, बीमार है। बीमार है? बीमार है। छोड़ो इन बातों को। ये बताओ तुमने एक्सरे क्यों नहीं कराया? डॉक्टर साहब, वो जो डॉक्टर एक्सरे करा है वो सही आदमी नहीं है। क्यों बताओ? सबको एक्सरे की मशीन में डाल दिया, मुझे उसने गन्ने की मशीन में डाल दिया। ये तो शुगर मशीन बंद थी, मैं बच गया। अच्छा ये बताओ, तुम डॉक्टर शब्बीर भट्टी से बदतमीजी क्यों की? ये डॉक्टर शब्बीर भट्टी को तो मैं मारता। क्यों? एक मरीज आया, उसके दिल में सुराग था। अच्छा, डॉक्टर भट्टी ने क्या किया? क्या किया? पानी के टप में बिठा के उसका पंचर चेक कर रहे। ये बताओ तुम सरकारी डॉक्टर को इतनी अहमियत क्यों नहीं देते भाई? अरे क्या मैं सरकारी डॉक्टर को अहमियत? आपकी सरकारी तो नर्सें बड़ी अजीब है। वो क्यों? सर मैं 3 महीने कोमा में रह के आया तो इनकी नर्स क्या कह रही है? जा, मैं तुझसे बात नहीं करती, तू 3 महीने कोमा रह के आया, ना मेरे लिए मोबाइल लाया ना घड़ी लाया। मैं कोमा गया था, दुबई गया था। बताओ भाई, बहुत अच्छा मुझे पता लग गया तुम मरीज क्यों मारते हो। क्यों? अबे तुम्हारे चश्मे में तो शीशे ही नहीं है। अबे तो नजर नहीं आता ना, धुंधला नजर आता है, निकलवा दिया। कोई एक्सरसाइज बता दो मुझे भाई। तुम्हें उसकी एक्सरसाइज करनी है। हाँ? तुम रोजाना फुटबॉल क्रिकेट और टेनिस खेला करो। फुटबॉल क्रिकेट टेनिस? हाँ। ये तो मैं रोजाना खेलता हूँ। ओह वाओ, वेरी गुड। कितनी देर खेल लेते हो? जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं होती। चावाज, प्रॉपर खेलता हूँ डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने उस मरीज के साथ उस दिन क्या किया? मैंने क्या किया डॉक्टर साहब? और मरीज मेरे पास आया, बोला डॉक्टर साहब मेरी आंख में दर्द है। तो ये क्या कह रहा है? बोला भाई मेरी भी दांत में दर्द था, मैंने भी दांत निकलवा दिया, तू भी अपनी आंख निकलवा दे, दर्द सही हो जाएगा। आपना भी भाई डॉक्टर साहब, पूरे अस्पताल में ना सिर्फ एक ही डॉक्टर सही है। वो कैसे? वो जो दांतों के डॉक्टर है ना, वो सही मशवरे देते हैं। क्या भाई? मेरी डाढ़ में था दर्द। अच्छा। मैं डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब ने डाढ़ चेक करने के बाद बोला तुम्हारी डाढ़ में लगा हुआ कीड़ा। अच्छा। एक हफ्ते तक कुछ मत खाना, एक हफ्ते तक खाओ सिर्फ चाय पापे। सही है। आज सीन हो गया। क्या? आज मैंने खाली चाय पी ली, कीड़ा खुद मुंह से निकल के बोला भाई आज पापे नहीं है क्या? डॉक्टर साहब मरीज थे, हम तो ऐसे मरीज हैं। अबे तो क्या मैं सही डॉक्टर नहीं हूँ? अरे क्या क्या सही डॉक्टर, क्या हुआ? ओ भाई मुन्ना भाई, MBBS 12 जमाते पास करके डॉक्टर बना हूँ। तो पता नहीं कौन सी दवाई आपने लिख दी है, 3 महीने से पूरा कराची शहर का हर मेडिकल छान गया, ये दवा मुझे अभी तक नहीं मिली। अबे यार दवा तो लिखना मैं भूल ही गया। तो ये क्या है? अबे ये तो मेरा साइन है। है? ये तो मेरा साइन है। सही, अब सही डॉक्टर हो, अब सही डॉक्टर साइन है। अल्लाह माफ करे, डॉक्टर साहब के पास एक मरीज आया सर, बोला भाई मुझे बहुत ठंड लग रही है। डॉक्टर साहब ने क्या किया? 2 स्वेटर एक जैकेट लिख दी। तो
सर्दी लग रही थी ना उसे। सर क्या सर्दी लग रही थी? बहुत अच्छा भाई। डॉक्टर साहब ये बताएं, जब आप और आपकी फैमिली बीमार होती है तो आप अपना इलाज कहाँ से करवाते हैं? भाई जब मैं और मेरी फैमिली बीमार होती है तो हम अपना इलाज प्राइवेट अस्पताल से करवाते हैं। क्यों? सरकारी अस्पताल के इलाज पे आपको यकीन नहीं? ओ भाई जिन्होंने सरकारी अस्पताल बनाया है वो तो खुद कभी लंदन कभी अमेरिका में इलाज करवाने जाते हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अबे चल मैं नहीं करा ले तेरा इलाज तो करा ले पूरा। ए ओए वाह 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 बहुत अच्छे। ये कैसे लगे दोनों भाई? बहुत जबरदस्त बेहतरीन। वैसे भी क्या बात, टैलेंटेड बाप के टैलेंटेड बच्चे। आप दोनों का कोई पसंदीदा ड्रामा जिसमें आप लोग आप ये समझे कि यार इसमें हमें बड़ा मजा आया भैया जी काम करने का? किसका ड्रामा था, कौन डायरेक्टर थे, राइटर कौन थे? बहुत से ऐसे काम रब्बुल आलमीन ने लिए हैं उमर भाई के साथ में। एक ड्रामा दुल्हा 2002 हम साथ में थे, एक तरफ सिकंदर भाई खड़े हैं एक तरफ लाला भाई खड़े हैं, यही ऐसी सोफा था, उमर भाई बैठे हैं मैं बैठा हूं, तो उसमें एक लाइन थी जो मैं कभी भूल नहीं सकूंगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गई आमद अल्लाह की मेहरबानी से, जो मैंने आपसे कहा कि अबे वो इंजेक्शन लग गया तो नीचे कर ले है जो आस्तीन आप चढ़ाए, तो वो कभी ना भूलने वाला काम है भैया जी। उस पे आप बात करके तुमने टन लिया था यूं? हाँ बिल्कुल ऐसे। तो उमर भाई कहने अबे इसमें नाराजगी की क्या बात है? एकदम तुम अच्छी तरह याद है। मेरा भी था उसमें, मैं मौकिल बुलाता हूँ। अच्छा उमर भाई एक तरफ उमर भाई निकल के आते हैं फिर उमर भाई, तो मैं बुला रहा था मौकिल को, हम दारू भी चल दिखो पड़ी हंगड़ बिल्ला, ये उमर भाई के अपने इल्म पढ़ते हैं, अब वो अपना मौकिल बुला रहे हैं। मैंने कहा वहाँ कौन है? कह रहा अच्छा हमें तुम्हारे मौकिल नजर आ गए, तुझे हमारे आए नहीं। मेरा एक सवाल था सलीम आपसे, ये आप रंग गोरा करने के लिए कौन सी क्रीम लगाते हैं? अगर आप ये समझते हैं कि कोई क्रीम लगाने से रंग सफ़ेद हो जाता है तो मैं समझता हूँ ये सब फजूल है। आप खुश रहें, खुश रखें, अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे वैसे ही रौनक रहेगी। पर सही बात है, सारी बातें तो चलती रहेंगी। बिस्मा दोनों बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह से, एक तो ये तो बहुत सुरीला है। अच्छा हाँ बहुत अच्छा। मैं चाहूंगा कि शकील साहब कुछ हो जाए, कोई गाना हल्का फुल्का सा, एक अस्थाई। सौ सौ बार चढ़ी को ठेते ते मैं उतरी सौ सौ बार, आ जा सजना ना जा रुस के तू जित आते मैं हारी, मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना, बैठी रवा तेरे कोल रूह लजदा ना, मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिया सोना, मैनू तेरे जिया सोना, मैनू तेरे जिया सोना, मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना। जामा जामा सोनिया दे बूए भावे सटे बिच खूए, जामा सोनिया दे बूए भावे सटे बिच खूए, जामा सोनिया दे बूए भावे सटे बिच खूए, सानू माही मिला दे बस जाना ना, मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना, बैठी रवा तेरे कोल रूह लगदा ना, बात है क्या बात है माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको बहुत अच्छी आवाज दी, आपने ये गाना गाया, मैं इसके लिए यही यंत्र गा दूं? जी जी प्लीज प्लीज। आपके मैनू तेरे जिया कूड़ा हुन लभदा ना। मैं वही उसकी वजाहत करना चाह रहा था कि मैनू तेरे जिया सोना, तो ये तुम अकेले नहीं हो, सारा जमाना मेरे लिए यही बात कहता है। हाँ बाकायदा देख कर सोनिया सुबह आए नहीं कचरा उठाने। इसी के साथ लाला आपको पता है हमारे साथ आज एक जबरदस्त सिंगर भी मौजूद है। हाँ न्यू कमर है माशाल्लाह बेहतरीन है, तो आपकी ढेर सारी तालियों में तशरीफ लाते हैं जिम्मी सनम। वाह वाह वाह
वालेकुम अस्सलाम। मैं नाज तेरे अदा करे सा, मैं नाज तेरे अदा करे सा, मैं सारी जिंदगी वफा करे सा। तू ना गरीब बंदा दुआ करे सा, ओ चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा, सराबा जी ढोले दी मर्जी, चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा, ढोले दी मर्जी, ओ चिट्टा चोला मैं सांब रखसा, कई तई ढोला तेरे नाम रखसा, चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भुलेंदा, ढोले दी मर्जी, सकूं यार मना बनाए सकूं ढोल मना बनाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे, ए हो खतरा चा बनाए, ए हो खतरा चा बनाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। क्या बात है, क्या बात है यार, बहुत अच्छे जीवी, शाबाश। तुम सुना है औरतें मर्दों को नचाती है, तुम पहले मर्द हो जिन्होंने तीन मर्द नचा दिए। नहीं आप माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीवी, शाबाश, वेरी गुड, लव यू। ये जितने भी लेजेंड हैं यहां पे कॉमेडियंस, उनमें से किसी की आवाज हम आपको सुनाएंगे, या ये होंगे या कोई और होंगे, आपने आवाज पहचानी जिस पे आपको इनाम मिलेगा। वेरी गुड यार, शकील चाह खाली कप पी रहे हो? हाँ, मैं भी यही सोच रही है ना। अच्छा सर, मैंने चाय पहले पी ली थी, उसके बाद पानी मंगवाया मैंने। सर आपने पहली दफा जिंदगी में पानी रखवाया है? हाँ, तो पत्ती तो डाले, पहले चाय थी। अच्छा, बाद में मैंने पानी मंगवाया। शकील शाह, सलीम शेख, ये पहली आवाज आपके सामने, इसे आप पहचाने कौन है? थोड़ी देर में स्लिप हो जाएंगे उसके। सेकंड आवाज, सही जवाब, क्या बात है यार, तू तेरे नसीब में आइसक्रीम भी नहीं है यार, क्या मतलब? दो पॉइंट्स हो गए आपके। तीसरी आवाज सुना दे, तेरी सुना दे मोहसिन। पता लग गई चरखा चलानी, पहचान गया, ये तीसरा भी जीत गया। अलबेला साहब,
तीसरी आवाज भी पहचान गया माशाल्लाह। अबे यार तू, तेरे कान नहीं होते तू फिर भी पहचान लेता कौन बोल रहा। तो ये आवाज अलबेला साहब, वेरी गुड, बहुत बड़े एक्टर और इनका बेटा हनी अलबेला बहुत अच्छा दोस्त बहुत है। हाँ, आपको वो तो खैर बच्चों की तरह। अब जब बेटा दोस्त है तो बाप की आवाज नहीं पहचानेगा बाप को। हाजी साहब बहुत बड़े। आप लोग आए, बहुत खुशी हुई, दिल बाग बाग हो गया हमारा भी और बिस्मा का भी कि उसके दो भाई आ गए आज शो में। माशाल्लाह ये जाते जाते कौन सी बात कर रहे हैं भाई भाई बहन भाई बनाना जरूरी समझा कर। हाँ तो आप दोनों यहाँ आ जाए जरूरी। जाते जाते अलविदाई कलमात हैं और मैं चाहूँगा शकील शाह, मैं हमेशा गाता रहता हूँ लेकिन मैं तुम्हारी मौजूदगी में मेरा गाना बनता नहीं है। तुम अच्छा गाते हो। नहीं नहीं अच्छा गाते हो। ये माइक लो और इसको एंड कराओ अपने अंदाज से। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।